हेलो दोस्तों, गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्मैकडाउन पेन को ट्राई करेंगे रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के साथ और रियलमी 7 के साथ। इसमें 6 GB रैम है, रियलमी वाले में 8 GB रैम है। रैम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एमुलेटर पर। इस गेम को ट्राई करते हैं। 2x रिजोल्यूशन है। गेम स्टार्ट होने के बाद हम सेटिंग्स एडजस्ट करेंगे। अब ये क्या ओपन हो गया। गेम की क्लिप्स दोनों ही डिवाइस में बहुत ज़्यादा लैग करेंगी, हाई एंड में भी लैग करेगी, हाई एंड डिवाइस में। दोनों में एकदम सेम चेक पॉइंट सेव है, मैं दोनों में सेम ही चलाऊंगा। इसमें थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ था, सेम चल रहा है जैसे कि कोई क्लिप चल रही है, पर ये एमुलेटर में है। क्योंकि ये बोट गेमिंग है तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, नहीं डिफ़ॉल्ट नहीं है। फास्ट फ्रेम रेट, बेस्ट कंपेटिबल के साथ ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। फास्ट फ्रेम रेट, स्लो, बेस्ट कंपेटिबल, स्टिल कुछ उसी तरह की परफॉर्मेंस है। मैं एक बार, यह शायद बेटर है। दोनों में मैं एक बार सेम चेक पॉइंट से फिर से चलाता हूँ तो देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग था लास्ट टाइम। इस तरह से डिफरेंस कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ये स्टेबल चल रहा है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। ये जो ग्लिच है ये इस गेम में सेटिंग्स के साथ है, इसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इस गेम में आप सोलो में ही खेल सकते हो 1v1। पोको X3 में मैंने इस गेम को जब ट्राई किया था तो काफ़ी बुरा परफॉर्म किया था, पर इसको देखो आप रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। इसमें स्नैपड्रैगन 720G है और इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि पोको X3 में स्नैपड्रैगन 732G था। परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक है, प्लेबल चल रहा है। देखो स्पीड देखो आप, इसके लिए बेस्ट सेटिंग है बेस्ट कंपेटिबल, वही आप सेट करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा स्टेबल चलेगा, फास्ट चलेगा। अगर आप फास्ट फ्रेम रेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो FPS ज़्यादा शो करेगा पर गेम स्लो चलेगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। थर्टी सेवन, 38, नियर बाय 40 FPS मोस्टली डिवाइस में चलता है जो इस कैटेगरी के हैं स्नैपड्रैगन के। 720G, 730G, 732G में कुछ इशू हो रहा है, या फिर ये कह लो कि पोको X3 में कुछ इशू हो रहा है, पता नहीं है वो अपग्रेड किया है चिपसेट या डिग्रेड किया है या फिर उसके सॉफ्टवेयर में इशू है। जहाँ तक मेरे को लगता है ऑप्टिमाइजेशन में इशू है। मैंने पहला ही डिवाइस टेस्ट किया था उस चिप सेट के साथ, पहले में ही प्रॉब्लम निकली। अब थोड़ा सा उसमें ट्राई कर लेते हैं। ये रियलमी 7 है, फटक ही दिया मैंने तो, कोशिश करी थी बच जाए। बाकी इस तरह ही गेम्स में कभी खेलता नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था। एक बार इंटरेस्ट आया था पर उस टाइम पर मेरे पास PC था जो उसमें चलती नहीं थी गेम ढंग की। अभी जो लैपटॉप है वो काफ़ी पुराना हो गया है, उसमें करंट टाइम की नहीं चलती है। अभी GTA 5 लगा रखी है मैंने। लास्ट वीडियो में जब मैंने टेस्ट किया था स्मार्टफोन के साथ ऑनलाइन जो गेम है GTA 5 क्लाउड गेमिंग, उसके बाद मेरा मन कर गया कि खेलते हैं, तो इसलिए मैंने PC में लगा रखा डाउनलोडिंग में। 95 GB का है। पहले, काफ़ी टाइम पहले, कई साल हो गए हैं जब लॉन्च हुई थी गेम,
उस टाइम पर शायद 40 GB का था, मेरे पास 40 GB का था और फुल गेम थी वो। बाद में कभी मैंने दोबारा से डाउनलोड किया था, उस टाइम पर 60 GB के आसपास था, अब सीधा 95 GB। अपडेट्स आते रहते हैं इन गेम्स के, उसमें परफॉर्मेंस भी बदल जाती है। कई बार तुम बेंचमार्क चेक करते हो तो करंट बेंचमार्क अलग होंगे और आज से 1 साल बाद वाले अलग होंगे, क्योंकि उसमें कुछ अपग्रेड भी किए जाते हैं, कुछ फिक्स, कुछ ग्लिच होती हैं उनको फिक्स किया जाता है, पर वो किसी दूसरे हार्डवेयर के साथ फिर ग्लिच हो जाएंगी। इसमें थोड़ा वॉइस लैग होने लग गया है। पोको X3 से बेटर परफॉर्म कर रहा है Realme 7। अब ट्राई कर रहे हैं Redmi Note 9 Pro Max के साथ। सो लॉन्ग टर्म में इसने भी फ्रेम लॉक कर दिया है। बैकग्राउंड में मैंने चालू छोड़ रखा था गेम को। 37 FPS है, एक आज बार 36 हुआ था, 33, 31 सेम हो गया है Realme 7। और इसमें स्टार्टिंग में ये बेटर परफॉर्म कर रहा था पर अब सेम हो गया। नहीं, अभी भी स्लाइटली बेटर है। एनीवे इसमें काफी फ्रेम लॉक हो रहा है। गेम प्ले वाले ऐसी चल रही है, पोको X3 में प्लेबल नहीं थी ये गेम। इसमें तो मैं पक गया था, स्टार्टिंग में चलाते ही पक गया था। इसमें कम से कम चल रही है, उसमें हालत पतली हो गई थी भाई डिवाइस की। और इसमें उतना ज़्यादा डिले भी नहीं है। जब पोको X3 में ट्राई किया था तो उसमें हालत बहुत ख़राब हुई थी डिवाइस की, बहुत ज़्यादा डिले हुआ था, फ्रेम ड्रॉप बहुत ज़्यादा था, काफ़ी स्लो चल रहा था। ये Realme 7 से थोड़ा सा स्टेबल है, कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगेगा सिमिलर है पर अधिकतर स्टेबल मिलेगा आपको। मैक्सिमम फ्रेम ड्रॉप 20 तक जा सकता है दोनों ही डिवाइस में। नॉर्मली इसमें 35 के आसपास ही चलेगा Redmi Note 9 Pro में। 9 Pro वो रॉम है, इसको 9 Pro Max है। इस मामले में Redmi Note 9 Pro ज़्यादा बेटर लगा मेरे को, ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस गेम के साथ मैंने बहुत सारे डिवाइस टेस्ट किए हैं, सो उन बेसिस पर परफॉर्मेंस बताऊँ तो Realme X2 मिड रेंज में सबसे बेस्ट है। उसके बाद है Redmi Note 9 Pro Max या फिर 9 Pro, और उसके बाद आता है Realme 7, और उसके बाद आता है Poco X3। Poco X3 काफ़ी बुरा परफॉर्म करता है, जहाँ तक है सॉफ्टवेयर इशू है उसमें, और अपडेट्स के साथ फिक्स हो जाएगा वो। पर मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ और ना ही मैं रिस्क लेने ही कहूँगा कि आप बाय कर लो Poco X3 को और गारंटी के साथ होगा फिक्स। क्या पता ना हो, जो कंपनियां हो क्या पता इस तरह का कोई अपडेट ना दे जिससे इनमें ठीक से परफॉर्म कर जाए, तो ऐसे में आपको रिस्क नहीं लेना है। तो Poco X3 को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दूसरा डिवाइस आप चूज कर सकते हो उसकी जगह। आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं।